एक तरफ जहां गन्ना उत्पादन ने देश का मान बढ़ाया है और इस बार देश में चीनी का रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है, वहीं गेहूं को लेकर भी अच्छी खबर आई है। पिछले कई वर्षों से कमी की मार झेल रही गेहूं की आवक इस सितंबर में ही 57% तक बढ़ चुकी है। बड़ी आवक से सरकार खुश है, इससे देश में खाद्यान्न संकट भी नहीं पैदा होगा। मौजूदा स्थिति को देखें तो पिछले महीने मंडियों में हुई गेहूं की आवक 2010 के बाद सबसे अधिक दर्ज की गई है। केंद्र सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार गेहूं की आवक पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 1.44 मिलियन टन हुई थी, जो कि अब 57% बढ़कर 2.27 मिलियन टन पर पहुंच गई है। देश में गेहूं के भंडार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारतीय खाद्य निगम के पास गेहूं का स्टॉक 6 साल के निचले स्तर पर आ चुका है और यह 24.82 मीट्रिक टन पर सिमट गया है। केंद्र सरकार इस आंकड़े से बेहद परेशान थी। सभी स्टेट से गेहूं के प्रोडक्शन की रिपोर्ट ली जा रही थी, जिससे देश में प्रॉपर स्टोरेज की व्यवस्था की जा सके। वही कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार गेहूं की आवक 2010 के बाद सबसे अधिक देखने को मिली है। 2010 में ये 4.38 मिलियन टन थी। सरकार ने जो आंकड़ा जुटाया है उसके अनुसार अप्रैल से अगस्त तक गेहूं की आवक 20.90 मीट्रिक टन के 3 साल के उछले स्तर पर पहुंच चुकी है और वहीं 2019 में गेहूं की आवक 22.95 मीट्रिक टन थी, जबकि 2020 में 15.19 मिलियन टन दर्ज की गई और वहीं 2021 में 17.51 मिलियन टन देखने को मिली थी। फिलहाल कीमत की बात करें तो गेहूं की कीमतें स्थिर हैं, क्योंकि सितंबर के पहले सप्ताह के समान ही अब 2,304.52 रुपए प्रति क्विंटल है। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच निर्यात अधिक होने के कारण मई में कीमतें 2,500 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई थी। इससे एफसीआई गेहूं की खरीद में 56% की गिरावट आई थी, जो कि एक साल पहले 43.44 मिलियन टन के मुकाबले इस साल 18.9 मिलियन टन हो गई है। गिरावट के चलते केंद्र सरकार ने 13 मई से गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। वहीं मार्च अप्रैल में पूरे देश में चिलचिलाती गर्मी पड़ी, इससे भी गेहूं की फसल पर बुरा असर पड़ा और वो पूरी तरह से झुलस गई। गर्मी की लहर के कारण फसल की पैदावार में कमी के चलते गेहूं की कीमतों में वृद्धि देखने को मिली और वहीं कृषि मंत्रालय के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस वर्ष गेहूं का उत्पादन 106.83 मीट्रिक टन होने का अनुमान लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।